हेलो दोस्तों, इन फिल्म्स टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान एक एक्शन पैक मूवी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है पठान। जबकि इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों काफी जोर शोर से की जा रही है। फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट की भूमिका में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आने वाली है, जबकि इससे पहले दोनों स्टार एक साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। बात करते हैं विलेन के किरदार के बारे में, तो विलेन के किरदार में बॉलीवुड के माचो मैन यानी कि जॉन अब्राहम नजर आएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शाहरुख खान काफी लंबे समय के बाद बैकअप कर रहे हैं उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म पठान से। तो आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये पठान मूवी फाइनल सिनेमाघरों में कब एंट्री मारने वाले है, फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा। जबकि इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों काफी जोर शोर से की जा रही है। फिल्म की शूटिंग के सेट से सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज भी शेयर किए गए थे जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम नजर आए थे। जबकि इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। फाइनली ये एक एक्शन जनर की मूवी होने वाली है। हालांकि इससे पहले आप लोगों ने शाहरुख खान की कई सारे फिल्मों को देखा होगा, अलग अलग जनर की फिल्मों को देखा होगा, जिनकी हाल फिलहाल में फिल्म रिलीज की गई थी जिसका नाम था रावण, जो कि एक एक्शन पैक मूवी थी। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे शाहरुख खान उनकी आने वाली फिल्म पठान से। तो बात करते हैं फिल्म की रिलीज डेट के बारे में। तो इस बात का रिवील किया गया कि फिल्म को साल 2021 में ही दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। जी हां, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म पठान दिवाली के मौके पर साल 2021 में ही रिलीज की जाएगी। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, फिल्म के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, आप लोग पठान मूवी को लेकर के कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।